गुड मॉर्निंग बच्चों, आप हम कर रहे थे नवा लेसन जिसकी हिंदी में करा चुकी थी, आपने उसको कॉपी पर कर लिया होगा। आज हम करेंगे नवे लेसन की एक्सरसाइज, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कल आपको पढ़ना है, दूसरा है प्रश्ननाम उत्तरानि एक पदे लिखत, एक पद में एक शब्द में उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है अस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति, अस्माकम मीन्स हमारे देश मीन्स देश में, कति मीन्स कितने, राज्यानि सन्ति राज्य हैं, हमारे देश में कितने राज्य हैं टोटल 28। तो 28 की संस्कृत क्या है, अष्टाविंशति। आंसर इसका अष्टाविंशति ही सरकाएंगे पीछे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है प्राचीन इतिहास का स्वाधीन आसन, प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन था, कौन स्वाधीन था, सात बहनें जो थी तो उनके सब सात बहनों की संस्कृत क्या है, सप्त भगिने। तो आंसर है इसका सप्त भगिने। केशाम समवाय सप्त भगिने इति कथ्यते, किसका जो समूह था उसको सात बहनें कहा जाता था, किसके समूह को सात राज्य सात बहनें कहा जाता था सात राज्यों की, तो आंसर आएगा सप्त राज्यानाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्माकम देशे कति केंद्र शासित प्रदेशा संति, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसका आंसर है आठ। तो आठ की संस्कृत क्या है, अष्ट। सप्त भगिनी प्रदेश के उद्योग सर्वप्रमुख है, सप्त भगिनी प्रदेश जो है उनमें कौन सा उद्योग सर्वप्रमुख है, सबसे प्रमुख है, कौन सा उद्योग है, वो वंश उद्योग है, वंश है उद्योग है या वंशोद्योग है, वंश उद्योग कर दो या वंशोद्योग एक साथ लिख दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य उत्तरानि लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है भगनी सप्तके कति कानि राज्यानि सन्ति, भगनी सप्तक में कौन कौन से राज्य हैं, तो सात राज्य हैं उसमें, कौन कौन से हैं, असम मणिपुर मिजोरम मेघालय नागालैंड त्रिपुरा चेती, सप्त राज्यानि सन्ति, ठीक है। मैं वो आपको होमवर्क भेज दूँगी, उसमें आप आराम से कर लेना। इमानि राज्यानि सप्त भगिने इति किमर्थम कथ्यते, ये राज्य सात बहनें क्यों कहे जाते हैं, क्यों कहे जाते हैं, इमानि राज्यानि सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य नाम साम्याद, सामाजिक सांस्कृतिक की समानता के कारण इनको सब बहने कहा जाता है, सामाजिक सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं की समानता के लिए इस उपाधि से प्रसिद्ध हो गए, मतलब इस उपाधि के लिए इन्हें सात बहने कहा जाता है। तो इमानि राज्यानि सामाजिक परिदृश्य सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य नाम साम्याद सप्त भगिनी इति कथ्यन्ते, इसका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है सप्त भगिनी प्रदेश के निवसंती, सात सप्त भगिनी प्रदेश जो है कौन रहता है, कौन कौन रहता है, सप्त भगिनी प्रदेश गारो खासी नगा मिजो प्रभृत्य वह जनजातियाँ निवसंती, गारो खासी नगा मिजो आदि बहुत सी जातियाँ वहाँ पर रहती हैं। अगला क्वेश्चन है एतत् प्रदेशिका के निष्णाता संति, यहाँ के जो प्रदेश के लोग हैं वो किस में निपुण हैं, अपनी कलाओं में, एतत् प्रदेशिका स्वलीला कला भी निष्णाता संति, वे अपनी लीला कलाओं में निपुण हैं। वंश वृक्ष वस्तुनाम उपयोग कुत्र क्रियते, वंश की बाँस की वस्तुओं का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाता है, वंश वृक्ष वस्तुनाम उपयोग आवस्त्र भूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यंत क्रियते, वस्त्र आभूषण से लेकर घर गृह निर्माण के लिए, घर के निर्माण में भी बांस के वृक्षों का प्रयोग किया जाता है, बांस की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणों को, जो नीचे लाइन लगी उनको उनसे प्रश्न निर्माण करना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामि, हम अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, हम किसके विषय में जानना चाहते हैं, तो किसकी संस्कृत क्या है, कस्य, वयम कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामि, तो क्वेश्चन मार्क पीछे, ठीक है। तो क्या आएगा, कस्य। सप्त भगिने प्राचीन इतिहास से प्राय स्वाधीन विदस्ता, सात बहने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीन ही देखी गई, तो कौन देखा गया, कौन की संस्कृत क्या है, का, क्योंकि वो है ये बहुवचन, वो बहुवचन है और पुलिंग है, स्त्रीलिंग है, सॉरी। तो क्या आएगा, कह कहू के, अब इसमें का के का, तो विसर्ग आएगा का, विसर्ग का प्राचीन इतिहास से प्राय स्वाधीन एव दृष्टा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट है प्रदेशी अस्मिन हस्तशिल्पी नाम बाहुल्यम वर्तते,
इस प्रदेश में हस्तशिल्पी का बहुलता है, अधिक हाथ की जो बनी वस्तुओं की बहुलता है। तो किसकी है, किसकी की संधि है, केशाम। तो आंसर आएगा यहाँ पर, क्वेश्चन आएगा, प्रदेशे अस्मिन केशाम बाहुल्यम वर्तते। क्या आएगा यहाँ पर, केशाम, क्वेश्चन मार्क पीछे। एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानी, ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं। तो ये राज्य घूमने के लिए कैसे हैं, कैसे की संस्कृत है, कीदृशानी, सर्व सदृशानी के स्थान पर क्या आएगा, कीदृशानी। एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम कीदृशानी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा कि निर्देश दिया गया उसके आधार पर आपको उत्तर देना है। तो पहला है क्वेश्चन वाक्य, वाक्य भगिनी महोदय मे भगिनी कथयति अत्र, मे भगिनी, तो यहाँ पर जो मे है, इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम, मे जो शब्द है यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये स्वरायै, स्वरा कहती है कि मेरी बहन कहती है, तो यहाँ पर आएगा मे इति सर्वनाम पदम स्वरायै प्रयुक्तम। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य नाम साम्याद इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानी अस्मिन वाक्य प्रथितानी इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम, यहाँ जो क्रियापद है प्रथितानी इसका कर्ता कर्ता पद कौन सा है, तो आंसर आएगा इसमें इमानी, प्रथितानी इति क्रियापदस्य कर्तृपदं इमानी इति, तो आंसर में आएगा इमानी। अगला है, एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम् अत्र संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, कर्तृपद है तो इसका क्रियापद आएगा विहितम, विधिपूर्वक, इन राज्यों का पुनः संगठन विधिपूर्वक किया गया, तो यहाँ पर आएगा विहितम, विहितम क्या है यहाँ पर, क्रियापद है। अगला है, अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते अस्मात् अस्मात् वाक्यात् अल्पलत अल्पता इति पदस्य विलो विपरीत पदम विपरीतार्थक पदम चित्वा लेखत, यहाँ पर अल्पता का वो दे रखा है। अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, यहाँ बांस के वृक्षों की अधिकता है, प्राचुर्यम मीन्स अधिकता, विद्यते मीन्स विद्यमान है, तो ये अल्पता मीन्स कमी, तो अल्पता का क्या आएगा, प्राचुर्यम, अल्पता का प्राचुर्यम। अगला है, क्षेत्र परिमाणे इमानी लघुनी वर्तन्ते, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राज्य कैसे हैं, छोटे हैं दिखाई देते हैं, तो वाक्यात संति इति क्रियापदम समानार्थक, संति का समानार्थक शब्द कौन सा होगा, वर्तन्ते, वर्तते वर्तेते वर्तन्ते अस्ति स्त संति, बहुवचन हो गया, यहाँ पर संति का बहुवचन है वर्तन्ते। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, वाक्यात संति इति क्रियापद से समानार्थक वर्तन्ते इति। ठीक है, नेक्स्ट है अब, पाठा चित्वा तद्भव पदानाम कृते संस्कृत पदानी लिखत, इनकी संस्कृत लिखनी है, तो पहला ये लिखा जाएगा, सात की संस्कृत क्या है, सप्त, बहन की संस्कृत है भगिनी, संगठन का है संगठनम, बांस का वंश है आज का अद्य, खेत का क्षेत्रम। ठीक है, नेक्स्ट है, भिन्न प्रकृति पदम चिन्हित, इसमें अलग प्रकृति के शब्द चुनने हैं, जैसे गच्छती पठती धावती एहसत क्रीड़ती, इसमें भिन्न अलग अलग कौन सा है, सारे लठ लकार के हैं, तो ये इसमें खाली ये लंग लकार का दिया एहसत, तो अब भिन्न क्या हुआ इसमें, एहसत। ठीक है, छात्र है सेवक है शिक्षक है लेखिका क्रीड़क है, छात्र है सेवक है शिक्षक है क्रीड़क है, ये है पुलिंग, और खाली लेखिका क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसमें आएगा लेखिका। पत्रम मित्रम पुष्पम आम्र है नक्षत्रम, बाकी सब क्या है, ये शब्द हैं अलग अलग, इसमें आम्र है आम फल का नाम है खाली, ये चीज़ें हैं जो भी पत्रम है पित्रम है पुष्पम है ये सब, तो आम्र है क्या आएगा इसमें, इसका आंसर है आम्र है। व्याघ्र है भल्लूक है गजय कपोत है वृषभ है सिंह है, व्याघ्र है भल्लूक है गजय वृषभ है सिंह है, ये है पशु, खाली एक है कपोत है पक्षी, तो क्या आएगा कपोत है। पृथ्वी वसुंधरा धरित्री यानम वसुधा, पृथ्वी वसुंधरा धरित्री वसुधा ये शब्द क्या है, धरती के ही पर्यायवाची हैं, खाली इसमें यानम अलग है, तो इसका आंसर है यानम। अगला है, विशेष्य विशेषणा नाम उचितम मिलनम कृत, ये विशेषण विशेष्यों को मिलाना है, तो इसका पहले का आएगा अयम प्रदेश है, अयम के साथ क्या आएगा प्रदेश है। संस्कृति विशिष्टयाम भारत भूमो, महत्वाधायिनी संस्कृति प्राचीने इतिहासे
एक है समवाय। तो ये यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज पूरी हो गई है, इसका आपको होमवर्क भेजा जाएगा, वो आपको अपनी कॉपी पर करना है और याद करना है।